महाराज, चक्रपाणि हमारी महाराज झांसी कोई औरतें मंदिर नहीं जाएंगी। जी ठीक है, चक्रपाणि महाराज, साधु संत समाज बेहद आहत है और ये बयानों से हमने देख भी लिया है। आपको क्या लगता है, एक बड़ा गड्ढा खोद लिया है गठबंधन ने? देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही हालात यहाँ पे है। आप देखिए, जो हिंदू सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया, सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार माना, सब में अपना देखा, उस हिंदू सनातन धर्म को कह रहे हैं कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, या जो है संक्रामक है। यह तो पूरे मानव समाज को अपमानित किया है, कलंकित किया है। गलती इनमें नहीं है। देखिए, हिमांशु जी जैसा मूल वैसा फूल होता है। इनके पिताजी स्टालिन खुद ही मंदिर तोड़ने का काम करते हैं और तोड़ने के बाद अपने को गर्वांगित महसूस होते हैं कि हमने हाँ मंदिर तोड़ा। उसी प्रकार से जैसा मूल वैसा फूल ये भी उस तरह के बयान दे रहे हैं। वास्तव में ये हिंदू या बीजेपी से लड़ते लड़ते, मोदी जी से लड़ते लड़ते, ये कब राष्ट्र से लड़ने लगते, कब हिंदू सनातन धर्म से लड़ने लगते, ये खुद कंफ्यूज लोग हैं। कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया और जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है खुशबू सुंदर जी, बिल्कुल सही बोल रही थी कि ये खुद कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं कि हिंदू सनातन धर्म क्या है, तो इसलिए प्रवचन दे रहे हैं दूसरे को। आप बताइए, इनकी कितने यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी कितने मलेच्छ आए, कितने आक्रांता आए, हिंदू सनातन को मिटाने वाले खुद मिट के चले गए। अब ये स्टालिन के पुत्र जो है आकर के अब सनातन की सुपारी ले रहे हैं, तो इन ये खुद ही लोकतंत्र में देश की जनता इनकी धज्जियां मार करके इनको उखाड़ देगी। ठीक है, आपने बोला कि जनता इसका जवाब देगी, लेकिन लोकेश जिंदल जी, राहुल गांधी विचारधारा को, देखिए राहुल गांधी ने एक अपनी छवि बदलने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कश्मीर टू कन्याकुमारी यात्रा भी करी, लोगों से जुड़ने का प्रयास भी किया, हर किसी को साथ में लेने की कोशिश करी, एक छवि एक अलग बनाने की राहुल गांधी ने कोशिश की जब उन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात की। लेकिन ये एक सही मौका था जब राहुल गांधी लीड कर सकते थे, आते मंच पर बोलते कि ये गलत बयानबाजी है। खामोश क्यों है राहुल गांधी, उनको आना चाहिए ना। देखिए हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था जो है और जिस तरह से जाति के आधार पर द्वेष के या द्वेष किया जाता है या भेदभाव किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस शुरुआत से ही कहती आई है कि धर्म के आधार पर द्वेष हिंसा फैलाना ये बहुत गलत है और इसका कभी भी समर्थन नहीं करेगी। यहां इस पूरे मुद्दे में जाति और धर्म ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है। सनातन धर्म का जो दर्शन शास्त्र है, जो एक मिनट महाराज जी, मुझे मेरी बात रखने दीजिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। चक्रपाणि जी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके सामने आपको लाऊंगा, एक बार इनकी बात हो जाए फिर आपके सामने आपको लाऊंगा। एक मिनट, हाँ लोकेश जी, लोकेश जी बोलिए। उसके लिए आपने सनातन धर्म के राहुल जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वरिष्ठ नेता ने उसकी निंदा नहीं की हिमांशु जी की, क्यों? क्योंकि अच्छा समाज लगा में, क्योंकि राहुल जी खुद ही बोलते हैं कि पुजारियों का देश नहीं है। एक पॉइंट निकल के आ रहा है, खुद ही बोलते हैं कि पुजारियों का देश नहीं है, बड़ा बोल रहे हैं। भगवान राम को काल्पनिक जी बोलते हैं, हिंदू सनातन के खिलाफ आप लोग चल रहा है, तो ऐसे थोड़े चलेगा देश। सभी धर्मों में एक मत देखना, ये सनातन धर्म की खूबी रही है। समान सनातन धर्म ने स्वयं कहा है कि सभी धर्मों के जो रास्ते हैं वो भिन्न भिन्न अवश्य हो, लेकिन सब जाते ईश्वर की तरफ है। बहुत अच्छी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखें, सभी धर्मों को भेदभाव ना रखें। देखिए ना, लेकिन आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी तो एक फर्क देता है। और वो भी उस वक्त जब आप लोगों की बैठक हो रही है, सब लोग एक जुट हो रहे हैं, उसके बाद आपके साथ इस तरह का बयान देते हैं। मैं इस बात से आपके साथ सहमत हूं कि इस तरह के शब्दों का चयन नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति तो लीड करके सामने आके इसका विरोध तो करना पड़ेगा ना। आप यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन आपका नेतृत्व भी खुलकर सामने आना चाहिए ना। हिमांशु जी देखिए, एक बार भी निंदा नहीं की उसका स्टालिन का। मैं तो चक्रपाणि जी से पूछ रहा हूं, एक मिनट चक्रपाणि जी से रुकिएगा, रुकिए रुकिए रुकिए। लोकेश जिंदल जी बताइए, क्या राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी आएंगे, खंडन करेंगे इसका? हिमांशु जी, क्या राहुल गांधी जी ने इस बात का समर्थन कभी किया है, कभी नहीं किया? मुझे एक बात